हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेक कुक एंड रिलैक्स। और आज हम बनाएंगे फेवरेट पानी पूरी। आज हम 6 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पानी पूरी बनाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं पूरी प्रिपरेशन से। पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सेमोलिना रवा, 1 कप मैदा, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 चुटकी बेकिंग सोडा। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप सही प्रोपोर्शन में ये सारे इंग्रेडिएंट्स और इनकी मात्रा फॉलो करते हैं तो आपकी पूरी बहुत ही क्रंची और फूली हुई बनेंगी, एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी। चलिए अब इसे थोड़ा सा गर्म पानी डालकर आटा गूंद लेते हैं। आटा थोड़ा सख्त गूंदना है। अगर आप ढीला आटा गूंदेंगे तो पूरी फूलेगी नहीं और ना ही क्रंची बनेगी। आज हम पानी पूरी के सारे इंग्रेडिएंट्स, सभी चीज़ें हम घर पे बना रहे हैं, पूरी से लेके बूंदी तक। चलिए हमारा आटा तैयार है। अब इसे गीले कपड़े से ढककर 1/2 घंटे तक छोड़ देते हैं। तीस मिनट हो चुके हैं, अब इसकी पूरियां बना लेते हैं। पहले इसे बेल लेंगे। ना ज़्यादा मोटा बेलना है ना ज़्यादा पतला, इतना पतला बेलेंगे कि नीचे का चकला हल्का हल्का दिखना चाहिए। अब हम इसे कट कर लेंगे राउंड शेप में। एक कुकी कटर ले सकते हैं या फिर आप आपके पास कोई ढक्कन या ग्लास हो तो उससे भी कट कर सकते हैं। साइड के बचे हुए एजेस निकाल देंगे और हमारी पूरी तेल में तलने के लिए तैयार है। अब हमें कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करेंगे एंड द ऑयल शुड बी स्मोकिंग हॉट, मतलब धुएंदार गरम होना चाहिए। अब हमारा तेल एकदम गरम है, अब इसमें पूरी डाल देंगे। पूरी को हल्का हल्का दबाते हुए फ्राई करेंगे। ये देखिए ये पूरी कितनी अच्छी तरह फूली है। सो हमारी क्रंची पूरी एकदम रेडी है। चलिए अब बढ़ते हैं मीठी इमली चटनी की प्रिपरेशन की तरफ। तो मीठी इमली चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 8 से 10 सीडलेस खजूर, इनकी बीजें निकली हुई होनी चाहिए। इमली को भिगो देंगे। अब एक मिक्सर जार में हम भिगोए हुए खजूर डालेंगे, 1/2 कप इमली का पल्प डालेंगे। हमने इमली भिगो के उसका पल्प निकाल लिया है ऑलरेडी। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में पीस देंगे और हमारा इमली और खजूर का मिक्स तैयार है। अब चटनी बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे, उसमें अराउंड 1 चम्मच कलौंजी, अनियन सीड्स या बंगरेल डालेंगे। मंगरेल थोड़ा भुन जाए उसके बाद इसमें इमली और खजूर का पेस्ट डालेंगे और इसे थोड़ा बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप गुड़ या जैगरी। अब इसे इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक। उसके बाद इसे एक अच्छा कलर देने के लिए और थोड़ा सा तीखापन देने के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे चटनी का कलर काफी अच्छा आएगा। अब इसे हम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे और हमारी खट्टी मीठी इमली खजूर की चटनी तैयार है। चलिए अब अगला स्टेप है बूंदी बनाने की विधि। तो बूंदी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप बेसन, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक 1 चुटकी और इस बेसन को पानी डाल के अच्छी तरह घोल लेंगे एंड प्लीज अवॉइड एनी लम्स। ये अच्छी तरह मिला लेंगे। बूंदी बहुत इजीली घर पे बना सकते हैं हम लोग। ये देखिए इट शुड बी ऑफ ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी।
अब हमारे घोल से बूंदी बनने के लिए तैयार है। हम थोड़ा तेल गरम कर लेंगे कढ़ाई में। तेल थोड़ा गरम हो जाए उसके बाद हम एक झारा लेंगे जो हम यूजुअली फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं, उस पर टैपिंग मेथड से हम लोग इस पर बेसन डालेंगे। ये देखिए हमारी बूंदी तैयार है, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ी क्रंची हो जाए तो इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। सो बूंदी इज रेडी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ग्रीन चटनी प्रिपरेशन। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा फ्रेश हरा धनिया एक बंच, मिंट लीव्स या पुदीना आधा बंच, 4 से 5 लहसुन और 3 हरी मिर्च। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से धो लेंगे क्योंकि धनिया और पुदीना में बहुत मिट्टी होती है, तो इसे अच्छे से पहले वॉश करके ड्राई कर लेंगे। फिर हम इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्सी में पीसेंगे, धनिया पुदीना लहसुन और मिर्च। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पीस लेंगे। तो हमारी ग्रीन चटनी अब तैयार है। ये ग्रीन चटनी हमारा बेस होगा बहुत सारे तीखे और अलग फ्लेवर्ड पानी के लिए। अब चलिए पहला फ्लेवर्ड पानी बनाते हैं, वो है जिंजर फ्लेवर्ड या अदरक फ्लेवर्ड पानी। उसके लिए हम लेंगे 3 चम्मच चीनी, उसे थोड़ा पानी डाल के अच्छे से घोल लेंगे। ये चीनी और पानी का घोल तैयार है। अब इसमें डालते हैं इमली का पल्प 1 चम्मच, और इसमें डालेंगे अराउंड 150 ml ऑफ वाटर। अब आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर और 2 चम्मच नींबू का रस। ये हमारा अदरक फ्लेवर्ड पानी रेडी है। अब बढ़ते हैं गार्लिक फ्लेवर्ड पानी या लहसुन पानी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 बड़े चम्मच ग्रीन चटनी। इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 7 से 8 लहसुन मिक्सी में पीस लिए हैं, वो हम डाल देंगे। फिर हम लेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा काला नमक, नींबू का रस 2 चम्मच, और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें डालेंगे पानी और स्वाद अनुसार सफेद नमक अराउंड 1 टीस्पून। तो हमारा गार्लिक फ्लेवर्ड पानी या लहसुन पानी तैयार है। अब इसे साइड रख देंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे हींग फ्लेवर्ड पानी। हींग फ्लेवर्ड पानी बनाने के लिए हम एक बाउल में पहले ग्रीन चटनी लेंगे 2 बड़े चम्मच, उसमें आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला और 1/4 चम्मच हींग का पाउडर डालेंगे, हींग या फिर एस्फोटिडा। फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच सफेद नमक। फिर इसमें पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। हमारा हींग फ्लेवर्ड पानी एकदम तैयार है। इन सभी पानी के रेडी होने के बाद इसमें एक एक आइस क्यूब डाल के आप साइड रख सकते हैं, सो दैट ये पानी थोड़ा ठंडा रहे। अब मेरा सबसे फेवरेट फ्लेवर्ड पानी, दैट इज जीरा पानी। तो जीरा पानी बनाने के लिए हम 2 चम्मच चीनी को थोड़े पानी में मिक्स कर लेंगे। वंस द शुगर डिजॉल्व्स, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला एक चम्मच सफ़ेद नमक और 2 बड़े चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर बनाने के लिए मैंने थोड़ा जीरा एक तवे पे रोस्ट कर लिया है, उसके बाद इसे पीस लिया है। फिर 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और फिर इसमें 150 ml वाटर डाल के मिक्स करके साइड रख देंगे। ये फ्लेवर्ड पानी बहुत ही बढ़िया लगता है। अब चलिए बढ़ते सबके फेवरेट तीखे पानी की तरफ।
तीखा पानी बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़ा चम्मच ग्रीन चटनी, उसमें डालेंगे 2 चम्मच नींबू का रस। आप ग्रीन चटनी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा तीखा चाहिए तो और चटनी डालिए। फिर इसमें डालेंगे काला नमक और चाट मसाला 1/2 चम्मच। फिर उसमें डालेंगे 1 चम्मच नॉर्मल सॉल्ट, दैट इज वाइट सॉल्ट। अब इसमें पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा तीखा एंड स्पाइसी पानी तैयार है। अब चलते हैं मीठे पानी की तरफ। ये यूजुअली बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच चीनी, इसे हम अच्छे से पानी में मिला लेंगे। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, वो जल्दी मिक्स हो जाती है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच इमली का पल्प। फिर इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक। थोड़ा सा वाइट सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, और फिर पानी मिलाकर रख देंगे मिक्स करके साइड में। तो हमारे ऑल 6 फ्लेवर्स ऑफ पानी आर रेडी। चलिए इसमें थोड़ी सी बूंदी डाल देते हैं। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, इट लुक्स डिलीशियस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पोटैटो स्टफिंग। हम आलू की स्टफिंग बना लेंगे पानी पूरी में भरने के लिए। इसके लिए मैंने पहले से 2 आलू बॉईल करके रख लिए, छिलके निकाल कर आप इन्हें कट कर लीजिए इनटू क्यूब्स। उसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक 1/4 चम्मच, फिर हम डालेंगे सफ़ेद नमक अराउंड 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर। घर पे बना हुआ जीरा पाउडर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, आप चाहें तो मार्केट का पैक जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ग्रीन चटनी, चाट मसाला थोड़ा सा, इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे। अब हमारी पानी पूरी एकदम रेडी है। चलिए बनाते हैं थोड़ी पानी पूरी। इसमें थोड़ी सी स्टफिंग डालेंगे आलू की। एवरीथिंग लुक्स सो यम। अब इसमें थोड़ी सी मीठी चटनी, आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं जिन्हें मीठा नहीं पसंद। फिर अपने फेवरेट फ्लेवर ऑफ पानी के साथ डालिए। मैं यूज़ करूँगी जीरा पानी क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। अब इसमें थोड़ा सा प्याज डाल के एंजॉय। चाहे तो प्याज अवॉइड कर सकते हैं। इट लुक्स डिलीशियस एंड माउथ वाटरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।